हे गाइस, तो कल हम सभी को पता है कि करण जौहर की मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज होने वाली है। और सच बताऊं, मैंने तो इस मूवी के टिकट बुक करा लिए। क्या आप लोगों ने कराए हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और कल मैं इस मूवी का फर्स्ट शो देखने जाने वाला हूं। और अभी तक का जो बज़ है ना, वो इस मूवी का ये कह रहा है कि ये मूवी 10 करोड़ के आसपास की ओपनिंग ले सकती है सच में। और उसके ऊपर भी जाने की काफी लोगों को उम्मीद है, लेकिन मैं रियलिस्टिक नंबर्स पे बात करना चाहता हूँ। इसी कारण से मुझे लगता है कि ये मूवी 10 करोड़ के आसपास की ओपनिंग ले सकती है सच में। जब मैंने प्रेडिक्शन पहली बार दिया था तब मुझे लग रहा था ये मूवी 7 से 8 करोड़ का ओपनिंग लेगी, लेकिन सच में यार मूवी का बज़ अच्छे से ऑडियंस तक पहुंचा। और ये मूवी का जो बस है वो अभी ये कह रहा है कि ये मूवी 10 करोड़ के आसपास की ओपनिंग दे सकती है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी को पता है ये मूवी काफी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप करण जौहर की बात करो, आलिया भट्ट की बात करो, रणवीर सिंह की बात करो, किसी की भी बात करो, ये मूवी सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन सभी के लिए ये मूवी चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये मूवी चलने के चांसेस जरूर है, लेकिन ये मूवी का जो बजट है ना वो इसको ले डूबेगा। ये मूवी का बजट करीब 170-180 करोड़ है। वहां तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहां तक तब ये मूवी तभी पहुंचेगी जब ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी निकले। अब इस चीज के चांसेस कितने हैं ये तो हम मूवी देखने के बाद ही समझ पाएंगे। बाकी पर्सनली मुझे लगता है ये मूवी 100 करोड़ के आसपास टच कर सकती है, लेकिन 170 करोड़ रिकवर करना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है ये मूवी कितना कमा सकती है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और इसकी ओपनिंग क्या रह सकती है ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।